जय माता दी। देवी भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। ये स्वरूप तप, साधना और भक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और उनकी आराधना से साधक को अपार शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि कथा का श्रवण करने से आपको सभी नौ देवियों की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, कथा शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय मां ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति और उनकी महिमा की यह अद्भुत कथा। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए है। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी सती के पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप भी माना जाता है। कथा उस समय की है जब देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती ने भगवान शिव से गहरे प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जिया, परंतु जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और अपने यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देवी सती का यह आत्म बलिदान अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक था, जिसमें आत्मसम्मान और प्रेम के उच्च आदर्श झलकते हैं। सती के इस बलिदान ने भगवान शिव को गहरे शोक में डाल दिया और इस संसार में भारी असंतुलन उत्पन्न हुआ। सती के इस बलिदान के बाद उनका पुनर्जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में हुआ। इस बार सती का अवतार हुआ मां पार्वती के रूप में। हिमालय के राजा और रानी ने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा, जिसका अर्थ है पर्वत की बेटी। मां पार्वती का जन्म अलौकिक उद्देश्यों के साथ हुआ था और यह स्पष्ट था कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव से पुनः मिलन था। माता पार्वती का ये जन्म उन्हें देवी सती के जीवन की अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए था। मां ब्रह्मचारिणी का तप और साधना केवल उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक माध्यम नहीं था, बल्कि यह आत्मसमर्पण और भक्ति का एक अद्वितीय मिसाल थी। नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी को एक बार फिर भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है।
माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद और पीला रंग प्रिय है, इसी रंग के वस्त्र धारण करें और माँ को पीली या सफेद वस्त्रें ही अर्पित करें। सबसे पहले माता ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान करवाएं, इसके बाद कुमकुम से पूजा करें, लोग बताशी हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करें, धूप दें और शुद्ध घी का दीपक लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग के फलों का भोग लगाएं, साथ ही दूध से बनी चीजें अर्पित करें। इसके बाद मन ही मन माता के ध्यान करें, पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें, प्रेम से बोलिए जय माता दी।